आज खाने में भात बना चुकी हूँ। दाल बन गया है, देखिए आलू और गोभी की भुजिया बना रही हूँ, और ये पकौड़ी बनाऊंगी बैगन का और आलू का। देखिए आलू गोभी की भुजिया में अभी गोभी भून रही हूँ, तो उसमें थोड़ा नमक हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आलू डालूंगी, भून जाएगा, उसके बाद पकौड़ी डालूंगी। गोभी भुना चुका है, देखिए आधा, अब तब हम आलू डालते हैं, भुजिया बनाना है तो अब इसको धीमे आंच पर धीरे धीरे भूनूंगी। भाजा के लिए मसाला पीस रही हूँ दोस्तों, जीरा गोल की या लहसुन का, देखिए पिसा गया है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों ये दाल फ्राई करना है, तो इसमें मैं टमाटर, प्याज और आदि और मर्चा का फोरन दी हूँ, और उसी में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दी हूँ, इससे टेस्ट दाल का बहुत अच्छा आ जाता है। तो वही मैं छान, देखिए उसको दाल फ्राई कर चुकी हूँ, और इधर मेरा भुजिया भी बन गया है दोस्तों, हो चुका है, इसको बंद कर लेती हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों बेसन ली हूँ पकौड़े बनाने के लिए, और उसमें जीरा गोल किए और लहसुन का जो पेस्ट बनाई हूँ उसको डालती हूँ, और नमक डालूंगी एक चम्मच, दो चम्मच डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ आधा चम्मच, मर्चा स्वाद अनुसार डालिएगा, जो तीखा पसंद करते हैं वो अपना ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं कम डालती हूँ, और धनिया का थोड़ा सा पाउडर डाल देती हूँ, और इसको घोल तैयार करके और पकौड़ी छानूंगी। दोस्तों ये देखिए बेसन का घोल तैयार हो चुका है, और यहाँ कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसको बैगन के पकौड़ी को इसमें घोल में लेकर डालते हैं। आलू के पकौड़ी को लेते हैं, घोल ज़्यादा पतला नहीं करते हैं दोस्तों, नहीं तो ये लगेगा नहीं, इसमें थोड़ा गाढ़ा रखते हैं तो पकड़ लेता है, इस तरह से वो पकौड़ी बन जाती है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। ये दोस्तों बन गया है, पकौड़ी तैयार है, अब इसको निकाल लेते हैं, और दोस्तों थाली सजा कर दिखाऊंगी आपको, खाने की थाली, तो ये है आपका खाने का थाली, और इसमें हम लोग पकौड़ी रख देते हैं, और अब ये खाना दूंगी अपने पति देव को, वो खाएंगे, देखिए। देखिए कौवे को फिर से भात दिया गया है, रोज ही आता है भात,
मांगता है और खाता है। जब तक भात नहीं मिलता है तब तक बैठा रहता है, काम काम करता है। तो देखिए दोस्तों कैसे खा रहा है गरम गरम भात।